What's up, lovely people out there? I hope you guys are doing well. I hope you guys are safe. And it's another week, another time for exploration. So, आज हम लोग आए हैं कंपेल गांव है इंदौर से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर. वहाँ से एक अंदर इंटीरियर में रास्ता जाता है जो कि सुना है एक वाटरफॉल है. तो आज वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम. और जैसे अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी जगह 30 किलोमीटर क्यों होती हैं जो मैं व्लॉग्स में बोलता हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी लॉकडाउन पूरी तरह खुला नहीं है तो मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सकता. बट एट द सेम टाइम मुझे ट्रैवल करना है और आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह जो कि हमारे घरों के इतनी पास होती हैं वो दिखाना है. तो चलो देखते हैं ये प्लेस आज एंड लेट्स एक्सप्लोर इट. तो ये थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँचे हैं रनकुनिया वाटरफॉल. ये एक्चुअली हम लोग एक दो दिन पहले भी ढूंढने निकले थे पर हमारे गूगल भाई साहब ने धोखा दे दिया हमको. तो फाइनली ये रनकुनिया वाले और ये हमें मिला है हमारे गाइड भैया सुनील जी के कारण ये हमको यही रोड पर मिले थे. ये सुनील जी हैं. तो सुनील जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या जगह है ये और ये अभी तक कैसे छुपी हुई है हम सब लोगों से. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर के बहुत पास में है ये. इंदौर से 30 किलोमीटर के दायरे में आती है और उसके अलावा बहुत सारे मैंने फॉल मैंने भी देखे हैं हालांकि, पर मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये फॉल उनसे सबसे अच्छा है. अच्छा. और अभी तक इसका फोकस किसी के इसलिए नहीं गया कि इसका जो रोड है रास्ता नहीं इसमें, इस कारण से लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है. और इंदौर से बहुत पास में है, सही बात है, और इतनी अच्छी जगह है और सारी सुविधाएं हैं, पास में ही गांव है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि खाने से लगा के या किसी भी चीज़ की आपको कोई समस्या नहीं आएगी. तो मैं तो चाहता हूँ कि इंदौर से सारे लोग आएँ और इस अच्छी जगह को जो है थोड़ा सा और अच्छा बनाएँ, मतलब मेरा यही कहना है बस. तो जैसे कि आपने देखा ये बहुत अच्छी जगह है एंड अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं हुई है लोगों में, क्योंकि जैसे कि सुनील जी ने बताया रास्ता अभी नहीं बना उसका. तो अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं होता तो अभी ड्रोन शॉट्स आने वाले हैं, वो एंजॉय करना एंड उसके बाद खुद जज करना कि ये जगह कैसी है. एंजॉय द ड्रोन शॉट्स. तब तक मैं जाके थोड़ा और जगह देखता हूँ. बाय बाय ड्रोन शॉट्स. तो देख लिए ड्रोन शॉट्स, हो गया यकीन कितनी अच्छी जगह है ये. ऐसे शॉट्स और ऐसे जो फोटोज़ अभी आने वाले हैं वो देखने के अलावा सबसे अच्छी चीज़ पता है मुझे इन जगहों की क्या लगती है, इन जगहों से जो कहानियाँ जुड़ी हैं. जैसे एक अभी जो कहानी हमारे सुनील भैया ने सुनाई हमको वो थी जो आपको वो दिख रहा है वो एज. वहाँ से माना जाता है कि बहुत साल पहले या
पता नहीं कितने साल पहले, ये कथित कहानी है जो गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है, कथित बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, तो एक बहुत फेमस कहानी है जो यहाँ के सारे गांव वालों में फेमस है कि उस एज से एक गाय ने छलांग लगाई थी क्योंकि उसको इस पार आना था, रास्ता बहुत लंबा था और उसे इस पार आना था, तो उसने वहां से छलांग लगाई। पर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी की हाय नहीं लगानी चाहिए अगर कोई जा रहा है, टोकना नहीं चाहिए, वैसे ही कुछ औरतें यहाँ से क्रॉस कर रही थी और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये गाय कैसे उड़ रही है, तो वो सिर्फ ये सुन के वो उसको हाय लग गई उसने जो वहाँ से जंप लगाई थी उसको, और उसका सिर्फ एक जो आगे का पैर होता है सिर्फ वो इस साइड की जो इस साइड का जो पत्थर है उस पर उसका पैर का एक इम्प्रिंट प्रिंट छप गया जो अभी है, जो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और बाकी वो गिर गई। अब मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच है या कितनी झूठ है या हुआ भी था कि नहीं, पर ऐसी सब कहानियाँ हमें ऐसी जगहों पे आके पता चल सकती है, ऐसे लोगों से मिलके ऐसी जगहों पे आके। तो ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन के बारे में व्यूज़ तो सब लोग देखते हैं, बट ऐसी जो कहानियाँ होती है वो उनका असली मीट होती है। मैं अपना आउट्रो शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये सारे फोटोज खींचते खींचते पूरा अंधेरा हो गया और कुछ शूट करने लायक नहीं बचा, दैट इज व्हाई माय आउट्रो फ्रॉम माय लिविंग रूम। तो अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, बताना जगह कैसी लगी, बताना आएंगे कि नहीं आप यहाँ पे, और अगर आओ तो प्लीज मुझे टैग करना। उसके अलावा अगर पसंद आए वीडियो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके साथ शेयर करना, और बस इस व्लॉग के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट। हाय, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये जगह है जहाँ पे सुनील भाई अभी हमें मिले थे जिनके कारण ये सब पॉसिबल हो पाया। ये जगह जो है ये पेड़मी गांव के पास में है, थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो एक शॉप मिलेगी, शॉप सी है जहाँ से 100 मीटर आगे एक राइट साइड में रास्ता कटता है, वहाँ जाके आपको थोड़ा ट्रैक करके जगह मिलेगी, अराउंड एक सवा किलोमीटर का ट्रैक है, एंड तो कभी यहाँ पर आए तो प्लीज़ यहाँ पर आइएगा। एंड ये रहे सुनील भैया जिनके कारण ये पॉसिबल हो पाया, इनका नंबर भी मैं नीचे डाल दूंगा, यहाँ के इनको फ़ोन ज़रूर करना, ये आपको बहुत अच्छे से घुमा देंगे। अब बाय बाय, बाय बाय बोल दीजिए आप भी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।